वेलकम आरसीआई ऑनलाइन क्लासेस. डियर स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट न्यूमेरिकल को समझते हैं बेटा. फोर चार्जेस आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर ऑफ आर्म स्मॉल डी. स्मॉल डी आर्म का कोई स्क्वायर है, इस पे ये अरेंजमेंट आपको दे रखा है. ए पे पॉजिटिव चार्ज है, स्मॉल डी डिस्टेंस पे. बी है नेगेटिव चार्ज, सी पे पॉजिटिव चार्ज और डी पे नेगेटिव चार्ज. ये वर्क जो हमने किया है उससे रिलेटेड जो टॉपिक है उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल है. फर्स्ट हमें क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट द वर्क डन इन द प्रिपेयरिंग दिस अरेंजमेंट. इस अरेंजमेंट में हमें क्या कैलकुलेट करना है, वर्क डन. तो कैलकुलेट करते हैं फर्स्ट, सेकेंड को बाद में देखेंगे, पहले फर्स्ट देखते हैं. हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है. तो वर्क डन, टोटल वर्क, लेट अस कंसीडर डब्लू. डब्लू इज इक्वल टू, देखिए फोर चार्जेज का जो सिस्टम है उसके लिए हमने वर्क डन कैलकुलेट कर लिया है. यहाँ फोर चार्जेज हैं, तो जब ये चार्ज आया होगा तो वर्क डन जीरो होगा. फर्स्ट और सेकेंड जो चार्ज है उसका वर्क डन हम ले लेते हैं 1, 2, ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड. जब थर्ड आएगा तो उसका वर्क डन क्या होगा, 1, 3 और 2, 3. भाई पहला चार्ज भी वर्क जनरेट करेगा और दूसरा भी वर्क जनरेट करेगा. और जब फोर्थ चार्ज आएगा तो फोर्थ चार्ज पे कौन कौन, 1B, तो 1, 4. उसके बाद जो दूसरा चार्ज है ये भी, तो W 2, 4. और तीसरा चार्ज भी इस पे वो लगाएगा तो W 3, 4. अरे यस सोनो, देखिए जब फर्स्ट चार्ज, सेकंड चार्ज आएगा तो 1, 2. तीसरा जो चार्ज आया तो उस पर 1, 3 और 2, 3. और जब चौथा चार्ज आएगा, फोर्थ चार्ज, तो इस पर 1, 4, 1, 4 और फिर 2, 4, 2, 4 और 3, 4. क्लियर है? देखिए अब हमें चाहिए डिस्टेंस. डिस्टेंस के लिए कैलकुलेट करते हैं. तो हमें ये डिस्टेंस चाहिए, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है. ये 2 ले लेते हैं, ये 1 है और ये 3 और ये 4. तो हमें एक तो 2, 4 की डिस्टेंस ही, एक 1, 3 की डिस्टेंस ही. और 1, 3 की डिस्टेंस ये है, तो ये आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल बन गया बेटा. ये डिस्टेंस भी डी, ये भी डी. तो ये कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगी बताओ. तो ये हाइपोटेनस कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आएगा के स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर स्क्वायर रूट. के स्क्वायर इज इक्वल टू 2D स्क्वायर, तो K इज इक्वल टू डी रूट 2. तो ये डिस्टेंस भी डी रूट 2 और ये डिस्टेंस भी डी रूट 2 और बाकी सारी डी हैं, ठीक है. तो कैलकुलेट करते हैं वर्क डन. सो W इज इक्वल टू फर्स्ट K, कौन कौन से चार्ज है, 1, 2, तो Q1 की जगह क्या है बेटा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, प्लस चार्ज. और Q2 नेगेटिव है तो नेगेटिव चार्ज और डिस्टेंस क्या है, डी. एंड प्लस 1, 3 डिस्टेंस, तो के चार्ज देखो प्लस का और फिर है प्लस अपॉन डिस्टेंस. ये वाली डिस्टेंस 1, 3 के लिए ये है d into root 2. एंड प्लस उसके बाद देखो 2, 3 आपके पास है. के एक तो नेगेटिव चार्ज है ये और 3 है पॉजिटिव, डिस्टेंस डी है. अरे सुनो, 2, 3 के बाद 1, 4 देखो, ये 1 और ये 4, ठीक है, 1, 4 देख लेते हैं. तो एंड प्लस मैं इधर लिख देता हूँ 1, 4 के लिए, 1 और 4. के एक चार्ज पॉजिटिव क्यू और फोर्थ पे है नेगेटिव क्यू और डिस्टेंस है इसकी डी. एंड प्लस 1, 4 के बाद 2, 4 तो के नेगेटिव क्यू, ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव नेगेटिव और डिस्टेंस ये वाले और ये वाले डिस्टेंस क्या है, डी. क्लियर? और देखो बेटा नेक्स्ट लास्ट 3, 4 तो यहाँ पे 3, 4 आ जाएगा. के ये 3 तो है पॉजिटिव क्यू और 4 है नेगेटिव क्यू और डिस्टेंस डी, ठीक है. तो आपके पास आ जाएगा W इज इक्वल टू क्या कॉमन है, एक तो Q कॉमन, K कॉमन है और एक Q स्क्वायर आएगा, वो कॉमन ले लेते हैं, ठीक है.
तो एक तो k कॉमन, एक q स्क्वायर कॉमन और एक d, सब में d है तो एक d कॉमन ले लेते हैं। तो आपके पास यहाँ से आएगा नेगेटिव वन, यहाँ से पॉजिटिव वन, यहाँ से नेगेटिव वन और यहाँ से नेगेटिव वन, यहाँ से पॉजिटिव वन और यहाँ से नेगेटिव, ठीक है। और रूट टू कहाँ कहाँ है, इस पॉजिटिव वन के अपॉन में रूट टू है और एक यहाँ पे इसके अपॉन में पॉजिटिव, क्लियर। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ठीक है। कैलकुलेट करेंगे इसको तो आपके पास आ जाएगा, मैं इधर लिख देता हूँ, W इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन डी। हाँ जी देखो, नेगेटिव वन नेगेटिव वन नेगेटिव वन नेगेटिव वन, नेगेटिव फोर हो गए ना, नेगेटिव फोर एंड प्लस वन बाई रूट टू, वन बाई रूट टू एल सी एम लेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉमन वन बाई रूट टू कॉमन लेंगे तो वन प्लस वन तो टू बाई रूट टू, क्लियर। तो आपके पास आ जाएगा ये रूट टू से रूट टू कैंसिल हो जाएगा, सो W इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन डी। यहाँ से देखो इसको क्या लिख सकते हैं, रूट टू इंटू रूट टू, रूट टू से रूट टू कैंसिल, अंडर रूट टू, तो यहाँ से आ गया अंडर रूट टू माइनस फोर और ये आ गया आपके पास इस अरेंजमेंट के लिए टोटल वर्क डन, क्लियर। टोटल वर्क डन, कोई दिक्कत है क्या, कुछ नहीं, सारी वैल्यूज रखी हैं, साइन का ध्यान रखना है और घर पे कैलकुलेट करके देखना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अरे क्लियर है। नेक्स्ट जो हमें कैलकुलेट करना है वो देख लेते हैं एक बार, ठीक है। सेकंड, इसका सेकंड पार्ट ले लेते हैं, इसको रफ कर दूं, हाँ जी सेकंड पार्ट ले लेते हैं इसका, सिंपल सा न्यूमेरिकल है, साइन का ध्यान रखना है, ठीक है। सेकंड क्या है बेटा, सेकंड को देखो, एनी चार्ज क्यू नॉट इज ब्रॉट एट द सेंटर कैपिटल ई, ये सेंटर कैपिटल ई द स्क्वायर एंड ऑल द फोर चार्जेस रिमेन रिजिड, हाउ एक्स्ट्रा वर्क इज डन इन डूइंग सो। क्यू नॉट चार्ज यहाँ प्लेस कर देते हैं, ये कह रहा है ई पर, ई पर हमने क्या प्लेस कर दिया, क्यू नॉट चार्ज, तो इन सभी चार्जेस से जो सेंटर पे पोटेंशियल है उससे कितना वर्क डन जनरेट होगा वो कैलकुलेट करना है। सो वी नो दैट पोटेंशियल फॉर्मूला क्या है बेटा, वी इज इक्वल टू डब्ल्यू ओ इंटू क्यू नॉट, बस सिंपल। सो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या जाएगा, अगर डब्ल्यू का फॉर्मूला यहाँ से कैलकुलेट करें तो, सॉरी मैंने ऐसे लिख दिया इसको, डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट है ना, तो W इज इक्वल टू क्या जाएगा, W इज इक्वल टू V इंटू क्यू नॉट, ठीक है। अब देखिए हमें V कैलकुलेट करना है, अब चारों चार्जेस के लिए V अलग अलग होगा, सो W इज इक्वल टू क्यू नॉट तो कॉमन है और फर्स्ट चार्ज के लिए पोटेंशियल V1 ले लेते हैं, सेकंड चार्ज के लिए V2, थर्ड चार्ज के लिए V3 और फोर्थ चार्ज के लिए V4। फर्स्ट चार्ज भी यहाँ सेंटर पे जो पोटेंशियल जनरेट करेगा वो V1 ले लिया, सेकंड चार्ज जो जनरेट करेगा वो V2 ले लिया, थर्ड चार्ज जो जनरेट करेगा वो V3 ले लिया, फोर्थ चार्ज जो जनरेट करेगा वो V4 ले लिया। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो W इज इक्वल टू, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, रफ कर देता हूँ, देखो ध्यान से समझना, W इज इक्वल टू Q नॉट, अब यहाँ से देखो V1 क्या है, फर्स्ट चार्ज के सेंटर पे, तो K Q अपॉन डिस्टेंस ये वाली और ये डिस्टेंस है AE, क्लियर। सेकंड के लिए V2, V2 क्या आएगा, K Q सेकंड चार्ज ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव चार्ज, देखो पोटेंशियल में साइन के वैस साइन जो है चार्ज का वो लिखा जाता है क्योंकि ये कैसी क्वांटिटी है इसकल, और डिस्टेंस ये वाले और ये क्या है बी ई, ये बी ई एंड प्लस थर्ड चार्ज ये रहा, थर्ड चार्ज है के पोटेंशियल, थर्ड चार्ज के लिए पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है और डिस्टेंस ये वाले और ये है सी, ठीक है। और लास्ट है फोर्थ चार्ज के लिए के और चार्ज है नेगेटिव और डिस्टेंस है डी ई, बोलो क्लियर।
इसका मतलब हमें पहले डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है ए ई स्क्वायर के लिए बी और सी और डी इक्वल होंगी भाई। ये स्क्वायर के लिए सेंटर से कॉर्नर्स की डिस्टेंस इक्वल होती है, तो जो टोटल डिस्टेंस है ये वाली, इसमें से अगर टू का डिवाइड कर दी, इसमें टू का डिवाइड कर दे तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगी। तो यहाँ का इसका मतलब डी इंटू रूट टू में टू का डिवाइड कर दे तो आपके पास है डी बाई रूट टू। अरे बोलो नहीं क्या भाई, जो टू है उसको क्या लिख सकते हैं, टू को हम लिख सकते हैं अंडर रूट टू इंटू अंडर रूट टू। ठीक है, तो टू ये कैंसिल हो जाएगा, डी बाई रूट टू आ जाएगा आपके पास। सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या कॉमन है, कॉमन ले लो, एक तो के कॉमन है, क्यू कॉमन है। ठीक है, सो डब्ल्यू इज इक्वल टू के कॉमन इंटू क्यू नॉट, और एक सब में क्यू कॉमन है। ठीक है, हाँ जी, और वैल्यू रख देते हैं तो यहाँ से आ जाएगा वन बाई रूट टू, साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव साइन, वन बाई रूट टू, यहाँ पॉजिटिव साइन वन बाई रूट टू, और यहाँ से डी बाई रूट टू आएगा ना बेटा, है ना। क्यू को अंदर रख लेता हूँ मैं, है ना, तो क्यू अपॉन इसकी वैल्यू डी बाई रूट टू एंड नेगेटिव क्यू डी बाई रूट टू एंड पॉजिटिव क्यू डी बाई रूट टू एंड नेगेटिव क्यू डी बाई रूट टू। देखो नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल, तो आपके पास आ गया फाइनल डब्ल्यू इज इक्वल टू के इंटू क्यू नॉट इंटू जीरो, सो वर्क डन इज जीरो। जो टोटल इस अरेंजमेंट में जितने भी चार्ज हैं उनसे जो सेंटर पे एक्स्ट्रा वर्क जो जनरेट होगा वो कितना रहेगा, जीरो। क्लियर है ना, समझ में आ गया, कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना, कमेंट कर लेना। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास। जो वीडियो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू क्लास।